नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के खिलाफ भले ही कुछ लोग बेवजह विरोध कर रहे हों, इस बीच केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का साथ मिला है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत में रह रहा हर शख्स हिंदू है। भागवत ने कहा कि संघ भारत की 130 करोड़ आबादी को हिंदू मानता है, भले ही उनका धर्म और संस्कृति कुछ भी हो। तेलंगाना के आरएसएस कार्यकर्ताओं के 3 दिवसीय विजय संकल्प शिविरम के तहत आयोजित एक जनसभा को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि राष्ट्रवाद की भावना वाले किसी भी धर्म और संस्कृति के लोग जो भारतीय संस्कृति और विरासत का सम्मान करते हैं हिंदू हैं, और आरएसएस देश के 130 करोड़ लोगों को हिंदू मानता है। उन्होंने कहा कि पूरा समाज हमारा है और संघ का उद्देश्य ऐसा ही एकजुट समाज बनाने का है। भागवत ने कहा कि संघ सभी को एक मानकर स्वीकार करता है, उनके कल्याण के बारे में सोचता है और उन्हें बेहतर से उच्च स्तर पर लेकर जाने का आकांक्षी है। भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि जब आरएसएस किसी को हिंदू कहता है तो इसका मतलब है उन लोगों से होता है जो भारत को अपनी मातृभूमि मानते हैं और इसे प्यार करते हैं। वहीं भारत माँ के बेटे का मतलब है यहाँ रहने वाला हर शख्स हिंदू है, फिर इसका कोई धर्म, भाषा और पूजा अर्चना से कोई संबंध नहीं है। भारत की यह नीति पूर्वक संस्कारों को, अनुशासन को मानने वाली, मनुष्य जीवन में मंगल सृजन करने वाली, संपूर्ण सृष्टि को मित्र भाव से कल्याण की ओर अग्रसर करने वाली यह जो श्रेष्ठ संस्कृति है, देश काल परिस्थिति अनुरूप आचरण का जो अपने जीवन में आचरण करके पुरस्कार करता है, ऐसा कोई भी हो, किसी भी भाषा का बोलने वाला हो, किसी भी प्रांत का रहने वाला हो, किसी भी उपासना पद्धति में पूजा करने वाला हो या किसी की पूजा न करने वाला हो, वह भारत माता का पुत्र हिंदू है। और इस अर्थ में हमारा 130 करोड़ लोगों का पूरा समाज संघ के लिए हिंदू समाज है। संघ तो सबको अपना मानता है, संघ सबका भला चाहता है, संघ सबको एक सूत्र में पिरोना चाहता है, उन्नत बनाना चाहता है। वो क्या मानते हैं उसका प्रश्न है, हम क्या मानते हैं इसका प्रश्न नहीं है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।